so, yeah. Bitch, I flare red raw. Yeah, bitch, I flare red. Morning, and it's 8:10, and I'm waiting for my friend to go to college. Bookers ke liye rukao. Aur ye jo dekh rahe hain na, ye story batane wala hu. Ghar pe ja, abhi college se ghar jata hu. And then I tell you the story what happened exactly. So yeah, let's go. अभी मैं डायरेक्टली घर पे जाके ब्लॉग करूँगा. सो बहुत ठंड है यहाँ पे, तो क्या गाइस, जे बैक अगेन विद द न्यू व्लॉग. और आज का व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आई एम गोइंग टू रिवील कि मेरा फेवरेट यूट्यूबर कौन है और मैं मतलब क्यों वो मेरा रोल मॉडल बन चुका है. एंड या दैट्स ऑल. और मैंने आज के लिए एक चेकलिस्ट बना ली है, चेकलिस्ट बनाई, उसमें आज मैं क्या क्या ब्लॉग में बताने वाला हूँ वो लिख दिया है. और अभी टिक करते जाऊँगा, जो जो आपको बताऊँगा वो सब लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा था कि क्या बताना है कैमरा के सामने और क्या नहीं, इसलिए मैंने लिख लिया. और ये इसे थोड़ा इग्नोर कर लो यार, थोड़े बहुत ही ज़्यादा मैसी हो चुके हैं बाल. एंड बस तो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर. मैं भूल गया था विश करना व्लॉग में. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ जब भी व्लॉग करता हूँ, इसलिए भूल जाता हूँ जल्दी से जल्दी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबको हैप्पी न्यू ईयर. आज का डे ज़रा सनी है, मतलब धूप ज़्यादा गिरी हुए देख लो, इसलिए मैं ज़रा घर में जाता हूँ वापस. मे ऑल ड्रीम्स कम ट्रू दिस ईयर. और जो जो आपकी इच्छाएं हो वो आप पूरी करने की ट्राई करिए. दिस इज़ द चेक लिस्ट. और नेक्स्ट है मेसी हेयर्स. यार मेरे हेयर्स बहुत मतलब बड़े हो चुके हैं बाल, तो इसे अभी कट करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा. तो इसलिए अभी मैं इसे ट्रिम कर दूंगा अभी जाके. एंड देन आई विल मेक अ न्यू हेयर स्टाइल दिस ईयर, आई थिंक सो. क्योंकि ये बहुत अभी कुछ तो भी अलग ही बनते जा रहा है क्योंकि बड़े बाल होते ही ये कर्ली हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे पहले सेट करूँगा एंड देन उसके बाद मैं कुछ तो भी नया सोचूंगा. सो अब मैं बताऊँगा कि मेरा फेवरेट यूट्यूबर कौन है. मेरा फेवरेट यूट्यूबर है मुंबईकर निखिल. ही इज़ माई रोल मॉडल. मतलब मैं उसकी वीडियोज जब उसके 60,000 सब्सक्राइबर, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ हिम. मुंबईकर निखिल, ही इज द वे ही व्लॉग्स, यार सच में बहुत फैसिनेटिंग है. और मतलब ऐसे बोर नहीं होता उनके व्लॉग्स देखते हुए. शायद मेरे व्लॉग्स देखते हुए आपको होता होगा, पर मुझे उनके व्लॉग्स देखते हुए नहीं बोर होता. लाइक कितने भी बार आप कितने भी ऐसा लगता है कि मतलब 12 मिनट का उनका व्लॉग होता है अगर, तो वो 12 मिनट कैसे चले जाते पता भी नहीं चलता. इतना अच्छा और फैसिनेटिंग होता है वो. लाइफ में एक बार तो मैं उनसे मिल के ही रहूँगा. एंड या मैं मुझे कभी भी एक बार भी मौका मिला तो उसे मिलने का, तो मैं ज़रूर वो मौका वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करूँगा. मैं उससे लाइफ में एक बार तो भी मिलना चाहता हूँ और मिल के रहूँगा. लाइक अभी तो अभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो लाइक भाई बड़ी राइड के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए. नहीं तो मैं मुंबई में जाने वाला था भाई से मिलने के लिए, बट अभी वो बड़ी राइड करने वाले हैं, सो इसलिए मैंने सोचा कि राइड के बाद ही मिल लूँगा. आशीष है, उसका भी मैं फैन हूँ फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि आई ऑल्सो लाइक फोटोग्राफी. और आशीष ने कुछ अच्छे पिक्स वगैरह डाले थे, मैंने इंस्टा पे उसका हर एक पिक चेक किया है, बहुत बहुत अच्छा है. एंड जस्ट आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट ऑल द बेस्ट फॉर योर राइड. That's all. तो अगर भाई निखिल भाई आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ऑल द बेस्ट आपके बड़े राइड के लिए. आई डोंट नो वेर आर यू गोइंग, बट ऐसा पता है कि आप राइड पे जाने वाले हो, तो आपको ऑल द बेस्ट. और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो वो उसकी वजह भी आप ही हो भाई. मुंबईकर निखिल भाई जस्ट लाइक यूट्यूब का मेरा फेवरेट क्रिएटर इज ओनली मुंबई, वन एंड ओनली मुंबईकर निखिल एंड नो वन एल्स. इसलिए आई जस्ट लव हिज ब्लॉग्स. या तो अभी बात करते हैं, चेकलिस्ट देखते हैं. अब या गोवा का इंसिडेंट ये जो हुआ है,
ये जो दिख रहा है आपको, ये पहले बहुत बहुत ज्यादा था, मतलब ऐसा पूरी मेरा आँख सूज गया था। वो उसका रीजन बताओ या ना बताओ, चलो बता ही देता हूँ। वो एक्चुअली क्या हुआ क्या था, हम गाड़ी पे मतलब एक्टिवा थी, ऐसे जोर से जा रहे थे और अचानक एक कोई तो भी छोटा सा ऐसा कीड़ा होता है, वो आके मेरे इधर लगा, इधर 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 लग गया जोर से, इधर मेरा पूरा ऐसा ब्लड क्लॉट हो गया था आई में। हम डर गए थे कि क्या हो गया, और ये आँख ऐसे सूज गए थे। मैं ये देखो, ये फोटो देखो, ऐसा हो गया था और आँख पूरी सूज गई थी। मेरे को मतलब डरने लगने लगा था कि क्या हुआ है। मैं डॉक्टर के पास गया, वहाँ पे एक ही हॉस्पिटल था मापसा में, एक ही हॉस्पिटल था गैलेक्सी हॉस्पिटल, वहाँ गया और उस मतलब डॉक्टर ने बोला कि लाइक सिर्फ ब्लड क्लॉट हुआ है, बाकी कुछ नहीं। तो उधर मेरे को थोड़ा रिलीफ हुआ कि ज़्यादा कुछ नहीं है, पर ये जो मार्क है ये बहुत दिनों से वो जा ही नहीं रहा, तो अभी मैं उसको थोड़ा ट्रीटमेंट चालू है, जाएगा धीरे धीरे जाएगा। बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, बिकॉज ऑफ यू ओनली आई रीच 100 सब्सक्राइबर्स, और बहुत ज़्यादा खुशी होती जब मैं फर्स्ट टाइम जब मुझे खुशी हुई थी मेरे चैनल से, तब वो थी 50 सब्सक्राइबर्स की। या आप हंसेंगे बट 50 सब्सक्राइबर्स जब मेरे हुए थे ना, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी। मेरा एक फ्रेंड यू नो दैट हर्षल पाटिल, उस वो मेरे साइड में बैठा था और हम लाइक नाच रहे थे लिटरली, इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी। अभी तो 100 सब्सक्राइबर्स हुए, ये कल परसों हो चुके हैं शायद 100, और मैंने कल ही देखा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और सोचा अभी वीकेंड आ गया है, सॉरी वीक, एक वीक हो गया है वीडियो ना डाले, तो चलो एक वीडियो शूट कर ही देते और व्लॉग अपलोड कर ही देते, इसलिए मैंने ये व्लॉग बना रहा हूँ। और 100 सब्सक्राइबर्स हो गए, उसके लिए अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, आपके सपोर्ट की वजह से 100 तक पहुँचे, देन 1 लाख, देन 1 मिलियन, करते हैं देखते हैं यार अभी कैसे चलता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज वंस अगेन। पता नहीं रह गए कि मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये जो है आ रहा है ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी हैंडल है jayaraj_jazz का, और बस यही कहना चाहता था। मैं नहाया अभी नहीं हूँ, अभी तो ये चेकलिस्ट पूरी हो चुकी है, ये देखो ये मैंने चेकलिस्ट बना ली थी, ये पूरी हो चुकी है। अभी मैं ये नहा लेता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ एंड देन आपसे बात करता हूँ। आज के दिन में क्या होगा पता नहीं मुझे, बट मतलब देखते हैं, अभी कुछ स्पेशल हुआ तो व्लॉग कर दूंगा वहाँ पे भी। चलो देन लेट्स गो।